बच्चे दो ही अच्छे, इस नीति पर भले ही उत्तर प्रदेश और असम सरकार कदम बढ़ा रही हो, लेकिन केंद्र सरकार का इस नीति को लागू करने का हाल फिलहाल कोई विचार नहीं है। शुक्रवार को लोकसभा में एक सवाल पर केंद्र सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया। कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दो बच्चों की नीति लाने की कोई प्लानिंग नहीं है। इसके पीछे मोदी सरकार के मंत्री जी ने कई वजहें बताई हैं। बता दें, लोकसभा सांसद उदय प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से इस मुद्दे पर सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा, सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। अपने जवाब में मंत्री साहब ने मुख्य चार वजहें गिनवाई हैं। पहली वजह, वांछित प्रजनन दर घटकर 1.8 रह गई है, जिसका मतलब है औसतन हर जोड़ा 1.8 बच्चे चाहता है। दूसरी वजह, जनसंख्या और विकास को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो भारत को परिवार नियोजन में जबरदस्ती रोकती है। तीसरी वजह, दुनिया भर से मिले अनुभव है, जबरदस्ती करने के जनसांख्यिकीय विसंगतियां हो जाती हैं, जैसे लिंग के आधार पर गर्भपात, लड़कियों का त्याग और भ्रूण हत्या। चौथी वजह, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने बिना कोई सख्त प्रावधान लागू किए प्रजनन दर कम की है। सरकार के मंत्री द्वारा ये चार प्रमुख वजह बताई गई है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर सांसद उदय प्रताप सिंह की तरफ से सवाल क्या दागे गए थे। उन्होंने पूछा था, क्या सरकार बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए कोई नीति बनाने की सोच रही है, ऐसी नीति जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। दो बच्चों की नीति से जुड़ा कोई प्रस्ताव है या नहीं, अगर नहीं तो फिर इसकी वजह क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब में सरकार की तरफ से न सिर्फ वजह बताई गई, बल्कि अपने जवाब में राष्ट्रीय परिवार नियोजन का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा, इसी के जरिए सभी नागरिकों को धर्म या संप्रदाय से परे मुक्त भाव से फैसला करने का अधिकार है। केंद्र सरकार की तरफ से जवाब देते हुए मंत्री साहब ने मिशन परिवार विकास का उदाहरण दिया। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, यूपी सरकार ने इस नीति को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया है। इस प्रस्तावित कानून के लिए दो बच्चे पैदा करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। असम और मध्य प्रदेश की सरकार भी इस नीति में दिलचस्पी दिखा चुकी है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है दो बच्चों वाली नीति पूरे देश में लागू हो जानी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।